हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। तो जी, सुबह का टाइम है 9 बजे का। तो मैंने बहुत से कपड़े छाट के निकाल के रखे थे ठंडी वाले, जो सूख गए थे। और अभी मौसम भी ऐसा हो रखा है कि अच्छे से धूप नहीं निकलती, तो मैंने पहले ही धो दिए थे, ये धूप लगा दी थी, लेकिन मैं इनको रख नहीं पाई थी इनकी जगह पे। ठंडे वाले कपड़े जो ज़्यादा हैवी तो मैंने पहले ही रख दिए थे, जो मीडियम थे ना वो रह रहे थे मेरे रखने, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो अब नहीं भाई ये बर्दाश्त होता कपड़ा। तो भाई मैंने इनको धूप लगा के और अच्छे से तय करके रख दिए थे कि जिस दिन मौका मिलेगा तो मैं भाई इन कपड़ों को रख दूंगी बेड के अंदर। तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, आज मेरे कपड़े धोने नहीं थे और इसलिए सेंटर में तो जाना है, लेकिन कपड़े धोने होते हैं जब सुबह सुबह, जब टाइम नहीं लगता मेरे को ये सब करने का। तो आज मेरे को कपड़े धोने नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये काम निपटा देती हूँ जो मेरा बहुत दिन से रखा हुआ था। ये जो जुराबे हैं मोटी मोटी घर में पहनने वाली, लोअर हैं ये गर्म, जैसे जर्सी हैं थोड़ी मीडियम सी, तो ये मैं रख देती हूँ। तो मैं सबके सेट बना के रखती हूँ, सबका अलग अलग रखती हूँ। यहाँ पे खुशी के अलग, वासु के अलग, इसके पापा के, मेरे जिसके जैसे हिसाब से होते, मैं सबके अलग अलग रख देती हूँ, ताकि जब सर्दी आए तो सबके कपड़े एक जगह मिल जाए, ना कि मेरे को अलग अलग ढूंढना पड़े। तो मैं यहाँ पे सेट बना के रख रही हूँ। और खुशी निकालने लग रही है झाड़ू। भाई सुबह सुबह थोड़ा सा मेरा काम करवाती है, क्योंकि मुझे जाना होता है 10 बजे 10:15 बजे करीब, मैंने यहाँ से निकल जाती हूँ। मम्मी है नहीं तो चक्की का भी देखना होता है, क्योंकि चक्की पे भी आ जाते हैं हाड़ा लेने, तो वहाँ भी 10-15 मिनट लग जाती है। तो सुबह सुबह का तो एक मिनट टाइम मेरे लिए बहुत कीमती होता है, इसलिए मैं खुशी से झाड़ू झूड़ निकलवा लेती हूँ। कभी पोछा लगा देती है खुशी, बस ये काम कर देती, कभी जोतबत्ती कर देती खुशी, कभी मैं कर लेती हूँ। तो आज मेरे को जोतबत्ती करनी है, इसलिए खुशी करेगी झाड़ू पोछा और मैं करूँगी जैसे कपड़े रखना और सब्जी रोटी बना। सब्जी तो सॉरी, हमने मैंने सुबह 5:30 बजे बना दी थी मटर और मशरूम की, तो सब्जी बनानी नहीं है, रोटी बनानी है मेरे को। तो भाई ये काम भी था मेरा बहुत बड़ा, जो कि मेरे को मम्मी जाने के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा था, क्योंकि चक्की का शाम को भी सुबह भी हमारा थोड़ा बहुत चलता है। और भाई जैसे आ जाते हैं, जैसे औरतें आती तो 10-15 मिनट लेती हैं, क्योंकि कुछ बातें करने लग जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, तो इस चक्कर में 1 मिनट बहुत वो हो जाता है मेरे लिए सुबह। तो रात को तो हम 10 बजे तक लगे रहते हैं, कभी चक्की पे कोई आ गया या कुछ, तो ये हमारा चलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भाई रख दिए हैं और खुशी ने भी अपनी झाड़ू निकाल दी है। तो जी अब मैं अपनी इसकी बेड शीट झटका देती हूँ, क्योंकि खुशी ने झाड़ू निकाली नहीं अभी इस कमरे में से, तो ये साइड वाले कमरे में से, जैसे स्टोर रूम से और दूसरे वाले कमरे में से निकाल दी है। तो इस कमरे में से मैं भाई अपना जैसे चादर झड़का दूंगी, बेड का सराहना साफ करना है, सोफे पड़े हैं अभी, मैज है, ऐसे ही डस्टिंग अभी होनी है इस कमरे में। तो मैंने इसकी बेड शीट सेट कर दूंगी और खुशी आराम से अपना जैसे झाड़ू निकाल देगी। और ये मैचिंग आपको कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मेहंदी रंग का सूट है, ब्लैक सलवार है और ब्लैक ही चुन्नी है। तो कैसी लगी आपको? मैं नहा ली हूँ और अब मेरे को करनी है जोतबत्ती, इनकी पूजा करनी है और भगवान के लिए भोग की रोटी निकालनी है। तो सबको मैंने यहाँ पे रोटी वोटी बना के खिला दी है, लेकिन मेरी पूजा रह रही है तो, और भगवान का भोग लगाना है, तो अब मैं उसका काम करूँगी। तो जी हाँ, मैंने अपना नहाना और डस्टिंग वस्टिंग हमारा हो गया सारा काम, तो मैं नहा ली थी और अब मैं जा रही भगवान को लेने और उधर से मंदिर की थाली लेने। तो भाई भगवान को नहलाना है और पूजा की थाली साफ करनी है। तो ये मेरा अब काम चलेगा जोतबत्ती का, और टाइम होने वाला है 10 बजने वाले हैं, तो मेरे को भाई रोटी बना के खानी भी है, तो 10:15 मेरे को यहीं पर ही हो जाएगा। तो जी सबसे पहले मैं अपनी जोत मांझ रही हूँ और फिर थाली मांझ दूंगी। और हमने समरसेबल चला रखा है तो गर्म गर्म पानी आया हुआ है, तो इस ऐसे भगवान को जैसे ताज़ा वाला पानी घर में निकलता अभी, तो उसमें मैं भगवान को नहला दूंगी। आज सोच रही हूँ दही से नहलाऊँ, क्योंकि मैं हफ्ते में 2-3 बार दही से नहला देती हूँ, तो चमक रहती है और जैसे साफ सा रहता है हमारा लड्डू गोपाल। तो जी अब मैं ले रही हूँ यहाँ से दही और अब नहलाऊंगी लड्डू गोपाल को।
तो जी मेरी ज्योत बत्ती हो गई है, मैंने रसोई को भी साफ़ कर दिया है क्योंकि सुबह मैंने जैसे रोटी बनाई थी तो भाई जैसे मेरी स्लैब लैब और गैस साफ़ नहीं थी, तो अभी मैं सबसे पहले भगवान के लिए भोग की रोटी बनाऊंगी। और वो ना उसमें घुस गया पानी तो निकाल रही हूँ, क्योंकि जब भी गैस धोती है तो ये रुक जाते हैं, पानी घुस जाता है ना, तो इसलिए इनको ऐसे निकाल के मैं मुद्दा मारती हूँ तो पानी निकल जाता है। तो जी मैंने गैस ऑन कर दी है और सारे बर्तन मैंने धो मांज लिए हैं, तो इनकी मैं अब जैसे पूछ रही हूँ। और ये कपड़ा है जैसे भाई, अब इसके ऊपर ही चकला रख के रोटी बेल दूँगी ताकि फिर बाद में ये धो जाएगा, गीला हो चुका है ये थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए। तो भाई अभी मैं निकालती हूँ भगवान की भोग की रोटी, और वो फर्स्ट वाली रोटी खुशी ले, क्योंकि भगवान की रोटी पर लगता है मीठा तो खुशी को बहुत पसंद है इसलिए। तो जी मैंने रोटी निकाल दी है, तो अब सबसे पहले इनको भी घी लगा के चौपड़ते हैं, और अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी शक्कर और फिर भगवान के भोग लगा के आऊँगी, और भाई फिर खुशी ले लेगी ये रोटी। तो भाई ये मेरा सुबह का थोड़ा सा व्लॉग था, जो भागम भाग रहता है मेरा सुबह सुबह का टाइम। और अब मैं गई हूँ भगवान के भोग लगाने, और भाई फिर मैं आ जाऊँगी, अपनी रोटी बनानी है और खुशी ये रोटी ले लेगी। वासु ने पहले ही खा ली थी कि पापा खा के चले गए थे। तो ये है मटर मशरूम की सब्ज़ी जो मैंने आज बनाई थी। तो जी देखिए अभी डालती हूँ मैं ये, और वासु को मटर मशरूम पसंद नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी उसने बेचारे खा ली थोड़ी बहुत, और खुशी को बहुत पसंद है। तो मैंने ये रोटी अब खुशी की रेडी कर दी है, वो खा लेगी, और अब मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ। तो जी ये मेरा व्लॉग था सुबह का भागम भाग, हर रोज़ नई 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 चीज़ें होती रहती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो जी प्लीज़ बताना मेरा व्लॉग कैसा लगा, कैसा बना, और प्लीज़ जो भी नए चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दिया करो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक मेरी राम नमस्कार रहना।